आपने देखा होगा कि वो मुंह में कुछ भी डाल लेता है और मुंह में डालने के बाद यहाँ पर गले में वो अटक जाता है। छोटा रोटी का टुकड़ा भी कई बार अटक जाता है और जब अटकता है तो बाहर नहीं निकलता, ना वो अंदर जाता है। ऐसी स्थिति में आंखें लाल हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कहीं पर चौकिंग हो जाती है, आप आइएगा जरा, जब भी कभी चौकिंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे चौकिंग से निवृत्ति करनी है। पहचान आपके समझ में आ गई, क्या पहचान है कि वो छटपटाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो जाती है, आंखें उसकी लाल आ जाती हैं, आंखों में से आंसू जैसे आने से मिल जाते हैं, चेहरा उसका बिल्कुल लाल हो जाता है। तब कोई भी बच्चा हो, एडल्ट हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो उसको झुका लेना चाहिए, झुक जाओ, इस प्रकार से पूरा नीचे तक झुका लो। गर्दन जितनी नीचे होगी उतना ही जल्दी उसका जो फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसे नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा कि ये है, यहाँ से स्लैब करना है, इस प्रकार से हाथ को ऐसे करना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ जो फंसा हुआ है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद भी नहीं निकला, नहीं निकला तो कैजुअल ट्री को सीधा खड़ा करो और सीधा खड़ा करने के बाद आप पीछे चले जाओ और ये जो हाथ है ये इस प्रकार से, मुट्ठी यहाँ पर है, इस प्रकार से लिया, ये हो गया। और यहाँ हाथ को इस प्रकार से कैसे करना है, यहाँ पेट है और पेट से ऐसे लाना है, पेट से ऊपर की तरफ जो यहाँ फंसा हुआ है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और ऊपर आने के बाद में आपने तीन बार जो किया फिर झुकाओ और फिर यहाँ मार करके ये जो है इस प्रकार से, तो वो जो मुँह में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। उसको निकलने के बाद में जब ये चेहरा लाल जो था वो आसान हो जाएगा, आराम हो जाएगा, ये बोलना शुरू कर देगा। और उसके बाद कोई भी गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, गर्म पानी उसको पिला दीजिए, आरामदायक स्थिति में लेटा लीजिए, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ